भारत हमेशा से ही आतंकियों के निशाने पर रहता है। भारत की समृद्धि से जलने वाले हमेशा भारत के खिलाफ साजिश रचते रहे हैं। यही कारण है कि अब आतंकियों के निशाने पर देश के वैसे राज्य भी निशाने पर आने लगे हैं जो पहले से शांत थे, जिसके कारण से खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के बाद ये अलर्ट जारी किया गया है, जिसके आधार पर पुलिस ने चौकसी बरतनी शुरू कर दी है। सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पर आज अचानक चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। आखिर क्यों, आपको हम बताते हैं। सीतामढ़ी और रीगा रेलवे स्टेशन पर किसी शरारती तत्व ने 5-6 की संख्या में पर्चे चिपका दिए, जिस पर्चे में बम से उड़ाने की धमकी थी। जानकारी के अनुसार पर्चा में लिखा गया था कि प्रधानमंत्री को कोई पत्र लिखा जिसका जवाब नहीं दिया गया, उसी के बदले में स्टेशन उड़ाने की धमकी दी जा रही है। जैसे ही आरपीएफ जीआरपीएफ को खबर मिली तो तुरंत आरपीएफ और जीआरपीएफ के साथ जिला पुलिस की टीम भी सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन और रीगा रेलवे स्टेशन पर पहुंची। साथ ही साथ डॉग स्क्वाड के साथ पुलिस ने स्टेशन पर चप्पे चप्पे पे की जांच की। अभी अफवाही सूचना है, लेटर प्राप्त हुआ है लेकिन लेटर से स्पष्ट नहीं हो रहा है। सर अभी तक जो सर्च अभियान किया गया है मुट्ठी सर में, उसमें भी कुछ ऐसी संगीत सामान कोई प्राप्त मिला है? अभी कुछ सामान नहीं मिला है। सिग्नल के क्षतिग्रस्त होने के कारण ट्रेनों का आवागमन बाधित रहा। एहतियातन सभी ट्रेनों को सीतामढ़ी स्टेशन से दूर दूसरे स्टेशन पर रोक दिया गया है। साथ ही साथ पुलिस सघन तलाशी अभियान भी चला रही है, लेकिन पुलिस अभी तक कुछ पता नहीं कर पाई। वहीं पर्चा मिलने से रेलवे अधिकारियों के साथ यात्रियों में भय का माहौल दिख रहा है। इस सब के अलावा सुरक्षा बढ़ाते हुए रेलवे स्टेशन पर हथियारबंद सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। इसके साथ ही सीसीटीवी से यात्रियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही सिविल ड्रेस पर पुलिस की तैनाती भी कर दी गई है, ताकि आतंकियों को अंजाम देने से पहले ही रोका जा सके। पुलिस ने भी लोगों से कहा है कि ऐसे में अगर आपको किसी पर भी कोई शक हो तो आप उसकी सूचना तुरंत पुलिस को करें। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।